नमस्ते दोस्तों, श्याम रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल राजस्थान के चिड़ावा का स्पेशल साग रोटा की रेसिपी। फ्रेंड्स, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम साग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीब फ्रेश मटर के दाने लिए हैं और 300 ग्राम के करीब गोभी ली है, जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच भर के घी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस सब्जी की खासियत है कि इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, ये केवल घी में बनाई जाती है। तो पहले हम गोभी और मटर को 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और गोभी और मटर को हमें 80% तक यहाँ फ्राई कर लेना है, बाकी 20% हम ग्रेवी में पकाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया है ताकि ये प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाए। ये देखिए, हमने इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 3 इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2-3 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 4-5 लौंग ली है। अब हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और उसमें मैं 2 चम्मच भर के घी ऐड कर रही हूँ। घी के गर्म होते ही मैं यहाँ तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ और उसके बाद सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसालों को हम 1-1.5 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेंगे, जिससे घी में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इनकी। 1/4 चम्मच यहाँ मैंने हींग ऐड करा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ 30-40 कली लहसुन की ली है, 4-5 हरी मिर्च और 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। मैंने लहसुन को बिल्कुल बारीक कर लिया है चॉपर से और अदरक और हरी मिर्च को क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले हम लहसुन को घी में ऐड कर देंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने लहसुन को घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। घी ऐड करना आपकी पसंद के अनुसार है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ हरी मिर्च और अदरक, जिसे हमने क्रश कर लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे और इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये हमारे फ्राई होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 6 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को बारीक कट करेंगे और टमाटर को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था, इससे बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम प्याज को 6-7 मिनट के लिए कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई होने तक। ये देखिए, प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और घी भी सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मसालों को हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए, हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं। तो अब हम यहाँ टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देंगे और जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, घी बहुत ही अच्छे से सेपरेट होने लग गया है। तो जो हमने फूलगोभी और मटर को फ्राई किया था वो हम उसमें ऐड कर देंगे। अब हम 20% जो हमने नहीं पकाया था फूलगोभी और मटर को, वो ग्रेवी के साथ पकाएंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे खुले में ही पकाएंगे, जब तक फूलगोभी और मटर अच्छे से पक नहीं जाते हैं। तो जब तक हमारा साग पकता है, मैंने यहाँ 4 बड़े साइज के संतरे लिए हैं। 4-5 संतरे लिए जा सकते हैं। हम इसका जूस निकाल लेंगे, ये देखिए। और जब फूलगोभी और मटर अच्छे से पक जाएंगे, ये देखिए, फूलगोभी और मटर बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, तो हम इसमें ये संतरे का जूस ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस साग की यही खासियत है, इसमें संतरे का जूस और घी, इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। तो जूस को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम साथ ही इसमें 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब हम इस साग को खुले में ही 15-16 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, या जब तक घी अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता हमें इसे पका लेना है। ये देखिए हमें 10 मिनट के करीब हो गए हैं, तो जब तक हमारा साग पकता है हम रोटा बना लेते हैं। रोटा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप बेसन और 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, साथ ही स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर या क्रश की हुई सौंफ ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ मैंने अजवाइन लिया है, जिसे हम हथेलियों पर अच्छे से क्रश करके ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, जिसे क्रश करके ऐड कर देंगे। इसे मैंने पहले रोस्ट कर लिया था। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला मिलाएंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। तो ये हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम गुनगुने दूध से इसका आटा लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस रोटी की खासियत यही है कि इसका आटा दूध से लगाया जाता है, ये देखिए। और हमें बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। इतना आटा लगाने में 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा दूध लगा है। इसे ढककर रख देंगे। और इधर हमारा साग रेडी हो चुका है, ये देखिए। घी बहुत ही अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो बस अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे, लगभग 1/2 चम्मच के करीब, और इसे मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा साग बन चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगा देते हैं। तो चलिए रोटा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ और आटे को थोड़ा मसल लेते हैं। तो ये हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम जैसे पूरियों के लिए लोइयाँ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए, रोटा वैसे मोटा ही होता है, इसके लिए हम बिल्कुल छोटी छोटी इसकी रोटी बनाएंगे। तो ये मैंने सारी लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब ये बिना सूखा आटा लगाए ही बेल सकते हैं। ये देखिए, इनकी साइज छोटी छोटी ही होती है, बस इतनी ही, और आप देख सकते हैं इनकी मोटाई। तो इसी तरह हम सारे रोटे तैयार करके तवे पर डाल देंगे। तो मैं एक बार में यहाँ 4 रोटे डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेकना है। तो दोनों साइड से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेंगे। यदि आप इन्हें बाद में खाना चाहते हैं तो कच्चा पक्का सेक के रख दीजिए और बाद में इन्हें सेक लीजिए। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें बर्नर पर सेकेंगे। यदि आपके पास सिगड़ी वगैरह हो तो कोयले में इसे सेकते हैं, वो और भी टेस्टी लगती है। और अब हम इस पर घी लगा देते हैं और साग में रोटे को चूर चूर के इंजॉय किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।